Hey guys, welcome back to the channel. And आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजन 11 के लीक्स के बारे में. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आई है ओके सीजन 11 की रिलेटेड. तो यहाँ पे कितनी बड़ी अपडेट होने वाली है वो आज के वीडियो में आपको पता चलेगा. तो आज के वीडियो में हम लोग ढेर सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. एक चीज़ नहीं, बहुत सारी नई नई चीज़ आई है जो कि इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे. तो बिना टाइम गवाए हम लोग आज का वीडियो शुरू कर देते हैं. So, यहाँ पे अगर हम लोग शुरुआत करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सीजन 11 के ट्रेलर के बारे में. सीजन 11 का जो बैटल पास है उसका ट्रेलर है. आपको पता है ये हर बैटल पास का ट्रेलर आता है, तो वैसे ही सीजन 11 बैटल पास का ट्रेलर है. तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सीजन 11 का बैटल पास का ट्रेलर आराम से चिल मार के देख लीजिए. ओके सो यहाँ पे ये एक चीज़ हो गई है. ओके सीजन 11 का आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया, बैटल पास में क्या क्या चीज़ आने वाली है, क्या क्या कैरेक्टर आने वाला है, कौन सी गन आने वाली है आप लोगों ने देख लिया. QQ9 वगैरह है जो कि इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था, बट आज अब वीडियो भी आ चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे. तो यहाँ पे नेक्स्ट में ना एक और वीडियो आया हुआ है छोटा सा. ओके जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी जिसके लिए फेमस है, जैसे पहले वो लोग वीडियो बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ओके मिशन का, तो वैसे इन लोगों ने इस बार मोबाइल कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है. वो कौन सा, तो आप लोग पहले वो वीडियो को को तब समझो कि भाई एक्चुअली में क्या है. You just saw was an experimental EMP Cold War era weapon. We lost track of it then, but it's back now. Our intelligence satellites are gone, so we're going old school. The enemy satellite is lining up to attack more targets in the next 24 hours. Evidence suggests an underground Japanese criminal magnate named Hidora Kai is behind the attack. The boots on the ground have visually confirmed Hidora and Mace en route to Alcatraz via Hilo. Something bigger is brewing. Rendezvous at Black Site 97. It's sheltered from EMP attacks while we build operational task forces to get back at these guys. It's time to counterattack. We've used Cold War cipher codes to gain access to the EMP satellite. Next, we need to activate the self-destruct protocol the Soviets never got around to using. Looks like it worked. Nicely done, rookie. We've stopped a disaster for now. This next mission is gonna be rough. But I'll be right beside you. Soldier, get your ass over here. तो समझ गए आप लोग क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो यहाँ पे ये जो वीडियो था वो एक्चुअली में प्रमोशन था. आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर है वहाँ पे, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के ही है. एंड थोड़ा आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें पता भी चली होगी कि उस वीडियो में एक्चुअली में क्या कहना चाहते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वाले. तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई ओके. उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो कि वो है स्नाइपर नहीं आने वाली. स्नाइपर का नेम है NA-45. आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट. तो यहाँ पे ये नई स्नाइपर है जो कि आने वाली है. अब पता नहीं किस लोकस डीएल को रिप्लेस कर सकती है नहीं कर सकती वो पता नहीं है. उसके बाद यहाँ पे एक नई आप लोग बोल सकते हो SMG आने वाली है. देख लीजिए वेक्टर जैसी लगती है मुझे, बट SMG है देख लो. बहुत ही छोटी SMG है, क्लोज रेंज के लिए अच्छी होगी ओके. लाइक MSMC ओके, बट होप्स हो कि भाई इसका इतना रिकॉल ना हो, बट स्टिल अच्छी है. MSMC जैसी है ओके, तो मे बी ये भी अच्छी हो सकती है. उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे तो सबसे पहले तो जो ये नई स्नाइपर आ रही है ओके उसकी लेजेंडरी स्किन देख लीजिए आप लोग ओके. ये देख लीजिए तो यहाँ पे इसकी ये लेजेंडरी स्किन है NA-45 की ओके, जो कि आएगी. पता नहीं इसका लकी ड्रॉ आएगा या फिर किस में देंगे. आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है लकी ड्रॉ ही आएगा इसका NA-45 का. बट स्टिल मैंने बता दिया कि भाई ये जो नई स्नाइपर आई उसकी लेजेंडरी स्किन देख लीजिए कैसी है. उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे HVK-30 की लेजेंडरी स्किन है देख लीजिए, और M4 की है, दोनों की देख लीजिए. तो यहाँ पे HVK-30 की लेजेंडरी स्किन है, तो इसका वीडियो भी आया हुआ है. ये आई थिंक लकी ड्रॉ आएगा HVK-30 का, मैं आपको बता रहा हूँ लकी ड्रॉ आएगा ओके. कैसे, तो देखो प्रिजन ब्रेक करके है. तो पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए. सो
आप लोगों ने देख लिया HVK 30 का वो जो वीडियो था वो, तो यहाँ पे प्रिजन ब्रेक है एंड आई थिंक कि वो ओपी हो सकती है, मे बी HVK 30 भी ये जो नॉर्मल हमारी है वो भी ओपी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते हम लोगों के, वो आने वाला टाइम में ही पता चलेगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो लोड आउट में यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आया है, देखो ये फोटो देखो, तो यहाँ पे देखो राइट साइड पे नीचे कॉपी का एक ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आई थिंक यहाँ पे हम लोग कॉपी करके हमारे दोस्तों को पूरा लोड आउट भेज सकते हैं। ओके चांस है, ओके मे बी ऐसा भी हो सकता है, कॉपी का बहुत अच्छा है। सब लोग कहते हैं कि भाई कौन सा लोड आउट रखना चाहिए, तो भाई ये अच्छा है कि भाई अगर मुझे कोई पूछे कि भाई तेरा SND का लोड आउट क्या है, तो मैं सीधा यही भेज दूंगा। आपके पास अब सब चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने लगाया हुआ है, अगर नहीं है तो वहाँ पे वो चीज़ फील नहीं होगी, वहाँ पे फिर आपके पास वो चीज़ नहीं तो कोई अदर चीज़ रखनी पड़ेगी। अगर उस टाइप का ये चीज़ है तो बहुत बेस्ट है ये, ओके बहुत बहुत मस्त है ये, हम जैसे यूट्यूबर को बहुत ईजी होगा सब्सक्राइबर को लोड आउट देने का। क्या उसके बाद यहाँ पे देखो जो मैं बात कर रहा था जोम्बी का, देख लीजिए यहाँ पे जोम्बी का एक आया हुआ है, बट मुझे लग रहा है ये अटैक ऑफ द अनडेड का ये फोटो है, ओके मुझे ऐसा लग रहा है, बट कुछ कह नहीं सकते, मे बी ये जोम्बी का भी हो सकता है। अब यहाँ पे बात ऐसी चल रही है, रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि भाई बैटल रॉयल में जोम्बी आ सकता है, या बैटल रॉयल में जोम्बी आ सकता है, बट अब कह नहीं सकते कुछ, ओके वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा वो लोग जोम्बी किस तरीके से देते हैं। उसके बाद देखो दो और फोटो आई है, एक फोटो आप लोग यहाँ पे देख लो ये, ओके नॉर्मली फोटो है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए दूसरी फोटो, ओके तो ये जो दूसरी फोटो है ये इसमें जो चीज़ है वो है AK-47 हेलोवीन वाली थीम, ओके हेलोवीन वाली स्किन है, ओके जो कि जो ओल्ड प्लेयर है, ओके लास्ट टाइम जो हेलोवीन में जो अपडेट आई थी उनको पता ही होगा, लोगों को पता ही है कि भाई क्या दिया था उन्होंने हेलोवीन में, ओके तो यहाँ पे वापस से AK-47 की हेलोवीन की स्किन आ सकती है, ओके दे सकते हैं वो लोग। उसके बाद यहाँ पे हार्टबीट सेंसर है, ओके कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरजोन है उसमें भी ये है, ओके हार्टबीट सेंसर 2019 कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरजोन 2019 में इसमें भी है, तो हमारे में भी ये हार्टबीट सेंसर मिल गया। यहाँ पे बेसिकली सामने वाले जो एनिमी है उसकी हार्टबीट से ये सेंसर पता कर लेगा कि एक्चुअली में एनिमी कहाँ है, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे ये सील्ड आ रही है, तो ये सील्ड देख लीजिए, तो यहाँ पे ये जो सील्ड है बेसिकली ये सील्ड डिफरेंट है, ये अलग है, जो नॉर्मल हमारी सील्ड है उससे नहीं है, जो नॉर्मल हमारी सील्ड है ओके उसको आप लोग एक जगह रख सकते हो उसके बाद हटा नहीं सकते, बट ये जो सील्ड है यहाँ पे कहा जा सकता है अगर किसी एक जगह पे रख दिया तो इसको आप लोग उठा सकते हो फिर, ओके और इसको पकड़ के आप लोग कहीं घूम भी सकते हो, ओके आप लोगों ने कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरजोन देखा होगा, ओके बैटल रॉयल जो मोड है कॉल ऑफ ड्यूटी का, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ये सील्ड यूज़ करते हैं, तो ये उस टाइप की ये सील्ड है होगी। उसके बाद यहाँ पे इन गेम में देखो इवेंट सेक्शन में पूरा चेंज हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, ओके ये फोटो देख लीजिए, तो यहाँ पे इन गेम में सेक्शन चेंज हो चुका है। और उसके बाद लास्ट यहाँ पे एक नया मैप आया हुआ है आप लोग देख लीजिए, ओके यार्ड करके हॉकी यार्ड या फिर ये हॉकनी यार समथिंग कुछ नेम है, आई डोंट नो, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आई थिंक ये पुराना मैप है, पता नहीं मुझे पुराना मैप है या फिर नया मैप है, आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पुराना ही मैप है, ओके फिर पता नहीं। तो ये सारी पूरी चीज़ है गाइस, ओके कि तो बहुत सारी चीज़ है, नई नई स्किन वगैरह आ रही है, ओके स्कोस्टिक आ रही है, गन्स आ रही है, नया मोड भी आ रहा है, ओके वो क्रैंक मोड, जो क्रैंक मोड के बारे में आपको बताना हो तो बता दूँ, क्रैंक मोड एक ऐसा होगा जिसमें आप लोगों को एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम में एनिमी को मारना है, अगर आप लोग नहीं मारोगे तो आप खुद ब्लास्ट हो जाओगे, ओके तो वो एक ऐसा मोड आ रहा है, ओके तो बहुत सारी चीज़ आ रही है, मतलब कि आई थिंक सीजन 11 अब तक की सबसे बड़ी सीजन होगी और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की, और मैं बैटल पास का गिव अवे भी करने वाला हूँ सीजन 11 में, सीजन 11 स्टार्ट होने पे, आई रिपीट सीजन 11 स्टार्ट होने में अभी भी 3-4 दिन बाकी है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लीजिए अगर आप लोगों को ज़्यादा इन डिटेल में जानना हो रिगार्डिंग गिव अवे के लिए, ओके इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ठोक देना, एक लाइक तो बनती है, एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज जैसे ही मैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की हिंदी में बीटा से वीडियो डालता आ रहा हूँ और आगे भी डालूंगा, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।